बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि रेड साइरन्स बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं इजराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में। इजरायली डिफेंस फोर्सेस एस्टिमेट करती हैं 2,200 रॉकेट्स फायर किए गए। हमास ग्रुप कहता है कि 5,000 रॉकेट्स फायर किए गए। अब आमतौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है, ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से है। जब भी रॉकेट्स की इस तरीके से बरसात होती है, ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है इजराइल देश को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर 5,000 रॉकेट्स फायर किए गए 20 मिनट के अंदर अंदर ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की संख्या में इजराइल में लोग मारे गए और जख्मी हुए इन अटैक्स के चलते। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है जो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है, और ये याद दिलाता है योम किपुर वॉर की। आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरीके से एक सरप्राइज अटैक किया था इसराइल के ऊपर। उसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी जिसे योम किपुर वॉर बुलाया जाता है, और अभी का ये हमला भी किसी फुल स्केल वॉर से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टीप्रॉन्ग्ड अटैक किया है, जमीन से, समुद्र से और हवा से। इसराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे तोड़ गिरा दिया गया एक बुलडोजर के द्वारा। कई पैलेस्टीनियंस इजरायली टेरिटरी के अंदर घुसते हुए दिखे, कई मोटरसाइकिल्स पर, कुछ मोटर पावर्ड हैंग ग्लाइडर्स के जरिए हवा के थ्रू इसराइल में घुसे। इसके अलावा समुद्र में स्पीड बोट्स के जरिए भी हमास के लोगों ने इसराइल पर हमला बोला। कई सारे इवेंट्स हुए यहाँ एक दिन के अंदर अंदर। इसराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया, एक इजरायली टैंक को कैप्चर किया गया, कई इजरायली सोल्जर्स को कैप्चर कर उन्हें बंदी बनाया जा चुका है हमास ग्रुप के द्वारा। और बॉर्डर पर मौजूद जो इसराइल के गांव और शहर थे वहां पर भी हथियार ताने हमास के आतंकवादी अंदर घुस गए हैं। ढेरों बेगुनाह सिविलियंस यहां पर मारे जा चुके हैं, कईयों को हॉस्टेज बनाया गया है, और इसराइल ने रिस्पांस में एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इजरायली मिलिट्री ने गाजा में भी एयर स्ट्राइक्स करी, जिसके चलते पैलेस्टीन में भी हजारों लोग मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। एक बार इस पूरी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए नक्शे पर नजर डालते हैं। इसराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडिल ईस्ट में